हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो काफी दिन हो गए थे व्लॉग नहीं आया था। आज सैटरडे है और पाठक लोगों की छुट्टी होती है, तो हमने सोचा कि नैनीताल चलते हैं और हो सकता है आज बर्फ पड़ जाए, आज या मतलब आज रात बर्फ पड़ सकती है, बिकॉज मौसम ऐसा बन रहा है खतरनाक वाला। तो हम सोच रहे हैं नैनीताल जाते हैं, वहीं स्टे करेंगे आज और दिखाएंगे आपको। आप लोग कह रहे थे यार नैनीताल घुमाओ, तो मैं कहा चलते हैं नैनीताल, आपको नैनीताल घुमाते हैं जितना घुमा सकते हैं। तो अभी मैं मतलब सुबह उठने का प्लान था मेरा बहुत जल्दी, तो अभी मैं बस नहाया, मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं मस्त, ठीक है, रेडी हो चुका हूँ। अभी बस जूते पहनने हैं, कुछ खाना है और निकलना है सीधे। पहले पाठक के घर जाऊँगा और फिर कर्नाटक भी चलेगा, योगेश प्रोफेसर अपने प्रोफेसर साहब उतने घर के बगल में रहते हैं, वो भी आएंगे। तो हम चार लोग जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आएगा। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है देखो आज, ये भाई पूरा बंद हो रहा है। ऐसा मौसम तभी होता है जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है, ठीक है। ये है रानीबाग वाला एरिया, नीचे है हल्द्वानी और नैनीताल। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नैनीताल दूर है, वो जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पे नहीं था। काली कैसी है तुझे, व्लॉग वालों ने सबने मिस किया तुझे, सबने मिस किया तुझे, पता है। अच्छा चल भाई, हो गया क्या 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 क्या, ओ चल भाई। इनकी तो जानते हो पढ़ाई चलती रहती है, गुनगुन पांडे की आज इग्लू बनी पड़ी है। ठंडा तो कब से हो रहा है गाइस, आउटफिट कैसा लग रहा है ये बताओ। कोट पहना है, स्वेटर पहनी है, हाईनेक पहना है, अंदर से इनर भी पहना है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है नैनीताल। नैनीताल में यहीं पे तो ठंडा हो रहा है, नैनीताल में तो इतना ठंडा होता है क्या बताऊँ। और अगर बर्फ़ पड़ जाएगी तो भाई फिर तो एंड सीन। और पता है मैंने आज तक कभी बर्फ़ नहीं देखी है, मतलब उस साइड में पड़ी पड़ी देखी है, एक हफ्ते पुरानी गिरी हुई, लेकिन कभी भी मैंने स्नोफॉल नहीं देखा है, बर्फ़ गिरते हुए कभी नहीं देखी। तो होपफुली शायद मैं आज देख पाऊँ, भगवान की कृपा से अगर आज देख लूंगा तो मजा आ जाएगा। पाठक ने तो देखी है, मैंने कभी नहीं देखी, तो लेट्स सी देख पाता हूँ नहीं देख पाता हूँ। सो गाइस अभी एक और सीन हो गया है, बिकॉज बारिश और बर्फ़ का बहुत सीन बन रहा है और मैं कभी भी स्कूटी नहीं ले गया हूँ बर्फ़ में, तो रिस्क है स्कूटी ले जाने के लिए। और एक हमारे पास एक और स्कूटी हो नहीं रही है, तो हम ये डिसाइड करें कि चार लोग हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, टैक्सी बस जो भी मिलती है उसमें जाते हैं, सेफली जाएंगे। और बारिश होगी तो यार खाली स्कूटी कहाँ वहाँ ले जाएंगे और इधर उधर, फिर खाली वो सीन हो जाएगा भीगने भीगने का। तो इससे अच्छा चारों लोग टैक्सी में जाओ या बस में जाओ, जो भी मिलता है वो भी देख रहे हैं हम, तो उस पर चलते हैं और फिर मज़ा आएगा जो भी है। क्योंकि फिर यार कभी मैं स्कूटी ना बर्फ़ में ले नहीं गया हूँ, अगर वहाँ बर्फ़ पड़ गई और पाला जम गया तो फिर बर्फ़ स्कूटी स्किट हो सकती है। चारों लोग टैक्सी में चल रहे हैं अब। हाँ अरे एक स्कूटी नहीं हो रही थी ना, मतलब मेरी स्कूटी थी, एक स्कूटी नहीं हो पा रही थी, इससे अच्छा चारों लोग टैक्सी में चल देते हैं। सही है, अगर बर्फ वर्फ पड़ गई, बारिश हो गई तो फिर क्या पता भीगने भीगने में दिक्कत जाएगी, स्कूटी स्किट भी सकती है। फिलहाल खाना वाना खाता हूँ यार, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे कल का प्रसाद है, कल संकष्ट था ना, संकष्ट की पूजा होती थी कल, तो कल का प्रसाद बचा हुआ है, प्रसाद खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, बाकी नैनीताल में खाएंगे जो है सीन। ये आ गई भाई चाय, अपना प्रसाद संकष्ट का, तिल के लड्डू हैं, इसको खा के चलते हैं आज। वो वाला पहाड़ है यार दूर, जब बर्फ़ गिरती है तो वाला पहाड़ पूरा कवर हो जाता है, पता है बर्फ़ से। यहाँ से हम देख पाते हैं कि कितनी बर्फ़ गिरी है नैनीताल में। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक नैनीताल में बर्फ़ नहीं गिरी है, नहीं तो अभी तक गिर जाती थी, मतलब मेन नैनीताल में उतनी नहीं गिरती है, लेकिन होपफुली आज गिरे, लेट्स सी, किस्मत अच्छी होगी तो गिर जाएगी। सडन प्लान बनाए ये, क्योंकि क्या होता है ना यार, मैं तो कहीं को भी घूमने निकल जाऊँ फिर अकेले घूमने का मेरा मन नहीं करता। तो पाठक लोगों की छुट्टी होती है, वो जॉब अप करते हैं, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आज सैटरडे था, तो मैंने सोचा चलते हैं नैनीताल को, पास में भी अपना मतलब नैनीताल यहाँ से 35 किलोमीटर्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा लगता है, एक घंटा पाँच मिनट या एक घंटा ऐसी कुछ लगता है। तो चलते हैं, अब तो कोई झंझट ही नहीं है, स्कूटी में जाना नहीं है, स्कूटी में हेलमेट पहनना पड़ेगा यार, टोपी पहननी पड़ती है, मफलर पहनना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पहननी पड़ती हैं, अच्छे से बाल बनाओ, बाल भी ख़राब हो जाते हैं, तो अब तो सही सीन हो गया। तो अभी योगेश और मैं जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड को, योगेश मतलब आप जानते ही हो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब के घर में जा रहा हूँ मैं अभी, तो उनसे मिलेंगे, वहाँ से हम जाएंगे सीधे हल्द्वानी, हल्द्वानी में टैक्सी स्टैंड को, वहाँ पर गाड़ी वाला बहुत फ़ोन वोन कर रहा है, तो सोचा गाड़ी में बैठ जाओ और वहाँ से चल लो। प्रोफेसर साहब कैसे हाल चाल हैं तुम्हारे है, दादी क्या बात है, लॉन्ग टाइम नो सी। हमारे दर्शक आपको बड़ा मिस कर रहे थे, क्या बात है सर, सच में कमेंट कर रहे थे प्रोफेसर साहब कहाँ हैं, प्रोफेसर साहब कहाँ हैं, फिर से एक ट्रिप बनाओ कह रहे थे। यार तुम तो बड़ा चक्कू बैग ले जा रहे हो यार, लोगों भी जाएंगे और थोड़ा पूल वूल के खेलने जा रहा है, पूल हाँ यार, ब्रिज क्लब जा सकते हैं, पूल खेलेंगे आज, 8 बॉल पूल खेला है मोबाइल में, तो उतना ही आता है, देखते हैं रियल में कैसे खेल पाते हैं। अरे यार हमको लिफ्ट मिल गई, सही हो गया,
बैठ के चलते हैं। गाइस पहुंच गए अभी हल्द्वानी और मौसम बड़ा तगड़ा हो रहा है यार, मतलब देखो सुबह सुबह का हल्द्वानी। अभी टैक्सी वाले का वेट कर रहे हैं और फिर देखो कर्नाटक का भी वेट कर रहे हैं, कर्नाटक भी आने वाला है, टैक्सी वाला भी आने वाला है, तीन से चलेंगे। पाठक बैठेगा अपने घर। भैया बोल रहे हैं आ जाओ ना। हाँ आ जाओ, आ जाइए भैया आ जाइए। तो गाइस अभी टैक्सी वाले का वेट करते करते थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है, थोड़ी छीटे छीटे गिर रहे हैं, तो यार बस फटाफट टैक्सी आ जाए, बैठ जाए हम, फिर उसका निकल जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर साहब, बर्फ पड़ जाएगी आज? पड़ तो जानी चाहिए यार, पड़ तो जानी चाहिए, बर्फ की आस में ही जा रहे हैं। हाँ यार पड़ जाए, बस उसी आस में जा रहे हैं, बर्फ नहीं पड़ेगी तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो हम कर लेंगे कैसे भी, मज़ा तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन बर्फ़ पड़ जाएगी तो और मज़ा आ जाएंगे। तो भाई टैक्सी में बैठ गए अपनी हम ऑल्टो में, कर्नाटक जी का वेट हो रहा है, हम तो भाई गाड़ी वाड़ी में बैठ गए मस्त, सब सीन सेट हो गया है। भैया भी आ गए हैं यहाँ से, भैया मस्त एकदम धूनी जलाए बैठे, भैया एकदम सुर सुर में है। चल्ले भैया सुर में है क्यों? छल्ले बन रहे बाबा, भैया के छल्ले बन रहे। इटर्निटी लेटर कर्नाटक भाई भी आ चुके हैं। हाय गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग भाई, हाथ तो मिला लो। अरे तो यार गजब कर रहे हो। और कर्नाटक भाई क्या कहोगे व्लॉग में आज दर्शकों को? फाइनली कर्नाटक भाई भी आ चुके हैं, योगेश भाई भी आ चुके हैं, अपने ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं, और अब हम चल रहे हैं पाठक को लेने के लिए। बारिश होने लग गई भाई अभी से, ये देख रहे हो सीन तगड़ा होने लग गया नैनीताल का। अभी भी मैंने चेक किया हुआ टेम्परेचर 3 डिग्री दिखा रहा है, 3 डिग्री यहाँ हो रहा है, 9 या 10 डिग्री वहाँ 3 डिग्री हो रहा है, और शाम को जा सकता है -2 या -3, तो भाई बहुत ठंडा होने वाला है वहाँ पे। पाठक भाई भी आ चुके हैं, क्या बात है। मजे ले रहे हो खाली भाई, हम तो टैक्सी में भी हेलमेट पहनवा दे तुम्हें। गुड न्यूज़ है, बर्फ़ गिरने लग गई है तो मज़ा आएगा यार, मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैंने कभी बर्फ़ देखी नहीं आज तक गिरते हुए, तो आज देख लेंगे, सही सीन रहेगा। सो गाइस 3 किलोमीटर दिखा रहा है नैनीताल यहाँ से, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा कि बर्फ़ पड़ ली नहीं पड़ ली, वहीं जाके पता लगेगा। 3 किलोमीटर और है, देखते हैं क्या होता है, ठंडा बहुत हो रहा है अभी से फील हो रहा है। तो अच्छा हम टैक्सी में आ गए, अगर स्कूटी में आते तो भाई जम जाते हैं हम। गाइस नैनीताल पहुंच गए हैं, सब पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं नैनीताल में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे ना तो उस तब से ये बनी हुई है। अभी लेक दिखेगी तुमको, अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं, यहाँ से तुमको नैनीताल पूरा दिखाते हैं, ठीक है, पूरा सीन सेट है। यहाँ पे रुक गए हम, ये ताल के यहाँ पे खतरनाक ठंडा हो रहा है यहाँ पे भाई, ठंडा का तगड़ा हो रहा है ना, तगड़ा ही हो रहा है तो। लेकिन भाई ये मजा आ रहा है, वो मसूरी जैसा नहीं है, ज्यादा ही नहीं है, चुभने वाला है जहाँ ऐसा कि चलो ठीक है हो रहा है झेल लेंगे, मतलब बारिश हो रही है चल रहे हैं उधर को तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करना है तुम, क्या करना, मोमो खाने चल रहे हो कह रहे तुम? अरे तो मोमो इधर क्यों खा रहे हो, उधर चलते हैं ना, मोमो तो उधर लगते हैं आपको, वही तो इधर क्यों खा रहे हो, स्पाइसी जाने की सोचे था बोलने के। यहाँ पे तली ताल में है नैनीताल ये, लेकिन पहाड़ी लैंग्वेज में जब कुमाऊँ की बात करें तो तली ताल होता है तली मतलब नीचे, और मली ताल होता है मली मतलब ऊपर। तो अभी हम नैनीताल के नीचे वाले इलाके में हैं तली ताल में, और फिर मली ताल को जाएंगे ऊपर को। ये है तली ताल और वो दूर होगा मली ताल, ठीक है। भयंकर बारिश हो रही है और हो सकता है कि बर्फ़ पड़ जाए थोड़ी देर में। तो अभी हम निकले हैं तलीताल मार्केट में, यहाँ पे मोमो खाने के लिए, प्रोफेसर साहब ले जा रहे हैं हमको मोमो खिलाने के लिए। बर्फ़ गिर जाए भाई, हैं बर्फ़, हाँ अगर बर्फ़ गिर जाएगी तो गर्म हो जाता है ना, थोड़ा सही हो जाएगा, मतलब एंजॉय तो। हाँ यहाँ पहुँच गए भाई, सुबह मोमो वोमो तो हो गए अपने, काफ़ी सही मोमो थे योगेश भाई, सही जगह पर लाए एकदम। और अभी एकदम कोहरा वोरा आ चुका है, बारिश हो रही है, इसलिए मैंने जैकेट भी चेंज कर लिया है, थोड़ा सा वाटरप्रूफ टाइप का है, मतलब पानी इसके ऊपर जाएगा ना गीला नहीं होगा, जो तो वाला जैकेट था वो गीला हो जाता है यार, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है, ठंडा भी कम लग रहा है। अब बस यही चीज, बारिश तो हो रही है चलो, लेकिन अब बर्फ़ भी पड़ जाए बस साथ में तो मज़ा आ जाएगा, जैसी बर्फ़ पड़ेगी दिखा दूंगा आपको, ठीक है।
अब वहां तो पूरा कोहरा हो गया है, अभी तो पूरी लेक दिख रही थी ना। क्या लग रहा है योगी साहब तुमको देख के बर्फ गिरने के आसार हैं? हल्का की गिर रही है गाइस, पहली बार देख रहा हूँ मैं स्नोफॉल ऐसे। लेट्स सी कैसा होता है। अभी तो पूरा देखो पूरा, यहाँ पे हमने टैक्सी रुकी हुई थी, अभी आगे भी चल लेंगे यहाँ से। पूरा कोई लेक दिख नहीं रही है यार, देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रही लेक, पूरा कोहरा हो गया है। सब सफेद हो जाएगा। अरे देखो भाई तुम्हारी जैकेट भी दिख रही है बर्फ पूरी। तो नैनीताल में स्नो व्यू में जा रहे हैं हम, और वहाँ तो ऑब्वियसली वो थोड़ा नैनीताल में और हाइट में है, वहाँ रोप वे से जाते हैं। और पता नहीं रोप वे अभी चल रही है नहीं चल रही है, अगर चल रही होगी तो हम रोप वे में जाएंगे, नहीं चल रही होगी तो फिर तो नहीं जा सकते, तो किसी या तो पैदल जाएंगे, पैदल तो जाने का हो नहीं रहा है, किसी टैक्सी में जाएंगे। तो देखते हैं स्नो व्यू में स्टे का प्लान है। ये माल रोड है नैनीताल की, ठीक है, पूरी यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक माल रोड है। अभी बर्फ गिरने लगी भाई, लेकिन ठंडा बहुत हो रहा है यार, फोन पकड़ लो लेकिन हाथ में बहुत ठंडी हो रही है। 3 डिग्री हो रहा है अभी 3 डिग्री हो रहा है, लेकिन माइनस तक जाएगा पूरा। सो गाइस देखो यहाँ पर से हल्की हल्की लेक दिख रही है अभी, वो दूर तलीताल है एंड हम मलीताल की तरफ जा रहे हैं। आधा रास्ता हमें कवर कर लिया है मॉल रोड में। ये सड़कें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं यार, मतलब बहुत अमेजिंग लगती हैं, फॉरेन टाइप नहीं लगती सड़कें। हाँ ब्रिटिशर्स ने पूरा बनाया था ना, इसी वजह से हल्का सा लंदन वाली वाइब आती है यहाँ पे। वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लंदन वाली वाइब। अरे यार कुछ भी बोलो, अगर रोप में हम गए तो वहाँ से व्यू दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा व्यू आता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगती है, मॉल रोड बड़ी बहुत अच्छी है नैनीताल की, मज़ा आता है। मसूरी से अच्छी है भाई ये। मसूरी तो बेकार है, मसूरी से तो कुछ भी नहीं भाई, खत्म हो जाती है वहीं पर से वहीं पर तक। मसूरी में तो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, नेचुरल लेक है, थोड़ा बढ़िया है, बिल्डिंग सेटलमेंट अच्छा है। हल्द्वानी वालों के लिए नैनीताल बढ़िया है, देहरादून वालों के लिए मसूरी बढ़िया है। लेकिन हम तो फिर भी अगर हम सब जगह घूमे हैं, देहरादून मसूरी नैनीताल, लेकिन हमको फिर भी नैनीताल बेस्ट लगता है मसूरी से। तो अभी पता चला रोपवे बंद है यार। सो गाइस अभी सीन हो गया था और रोपवे में जाने का प्लान था, लेकिन रोपवे में हम जा नहीं पाए बिकॉज रोपवे बंद है, तो बारिश भी हो रही है और कोविड के चक्कर में रोपवे बंद है। अगर रोपवे में जाते तो बहुत अच्छा व्यू आता नैनीताल का नीचे का। सो इस चक्कर से हम अभी टैक्सी से जा रहे हैं ऊपर स्नो व्यू की तरफ, बहुत हाइट में है देखो गाड़ी, मतलब ऐसे चल रही है पूरी एकदम हाइट में। सो स्नो व्यू में जा रहे हैं, बहुत बारिश हो गई है एक्चुअली, जैकेट वैकेट पूरी भीग गई है, अंदर का भी भीग गया है, बैग पूरा भीग गया है, जूते भीग गए हैं। सो एक बार रूम पे पहुंच जाएं और वहां पे हल्का मतलब सामान वामान रख लें, फिर देखते हैं वहां पे क्या सीन है। अगर बर्फ़ पड़ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा यार, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी थी लेकिन पिघलने लग गई, अगर मोटी वाली पड़ जाए ना मज़ा आ जाएगा। तेरे को पता है भी टैक्सी वाले भैया बी की चप्पल से मारते भाई। हाँ तो गाइस देखो हल्की हल्की बर्फ़ दिखने लग गई है यहाँ पे, व्यू पॉइंट हम पहुँच गए, स्नो पॉइंट, स्नो व्यू, अब देखो बर्फ़ हल्की हल्की दिख रही है भाई यहाँ पे, बाकी बाहर आके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है, उस साइड भी पड़ी हुई है देखो। तो यहाँ पहुँच गए स्नो व्यू में, हल्की बर्फ़ देखो पड़ने लगी यहाँ पे, अंत हमें यहाँ पे लिटरली बर्फ़ पड़ ली है। और यहाँ पे हम घूमेंगे थोड़ा थोड़ा इधर को, यहाँ पे घूमने का बहुत मस्त सीन है, यहाँ पे थोड़ा एडवेंचर वाला भी है सीन, गो कार्टिंग है और बम्पिंग कार है, उसी वो सीन अगर यहाँ पे चालू होगा तो ज़रूर करेंगे। और आगे को मतलब बहुत ख़तरनाक बर्फ़ वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी चलेंगे हम रेस्ट हाउस की तरफ, और रेस्ट हाउस में सामान वामान रखेंगे थोड़ा, तो उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। गिरने लगी हाँ, कपड़ों में देखा अपने, यही है एक्चुअल बर्फ़ है, बजरी नहीं है। बजरी बोलते ना ये लोग इसको, हाँ मेरे को भी समझ नहीं आया पहले, मैंने कहा बजरी क्या है। आप लोग कैमरे में देख पा रहे हो बताओ मुझे कमेंट्स में, बर्फ गिर रही है क्या, दिख रही है ना? तो भाई ये सब कपड़ों में हाथ रही है, क्या बात है। कनाडा भाई को मस्त कॉफ़ी पिलाते हैं, हमें नहीं पिलाएंगे क्या, बारिश तो नहीं, स्पेशल कॉफ़ी है। ये देखो भाई बर्फ़ गिर रही है, यहाँ पे आराम से आना। ये देखो भाई फिसल रहा क्या,
मैं जाऊँ आ जा भी चल गया गिरेंगे तो नहीं यहाँ पे भाई साहब तो देख भाई बर्फ कैसे हटा रहे कॉलिंग डाल ले हाथ में भाई भाई नो नेटवर्क हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा सो गाइस ये अपना रूम तो आपको रूम टूर भी करा देता हूँ यार ये देखो पर भाई ये सब वुडन वुडन है मतलब काफ़ी बड़ा रूम है ना पाठक वैसे एरिया वाइज ये अपना हो गया बेड यहाँ पे थोड़ा बैठने का एरिया ये भी बैठने का एरिया है डाइनिंग एरिया मतलब आप कह सकते हो इसको ये मस्त यहाँ पे आधी कैलाश की फोटो लगी हुई है ये मतलब वुडन एरिया काफ़ी यहाँ पे टीवी है छोटा मोटा और एक रूम और है यहाँ पे ये देखो भाई यहाँ और बैठने का रूम है एक और एंड अरे बाथरूम भी दिखा देते हैं यार वॉशरूम भी दिखा देते हैं वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है यार सही सीन हो रहेगा क्यों ये काफ़ी ठंडा है लेकिन पता है बहुत बहुत खतरनाक ठंडा हो रहा है और बर्फ़ बाहर और ज़्यादा पड़ सकती है शायद अभी हल्की हल्की पड़ रही है लेकिन और ज़्यादा पड़ेगी थोड़ी देर में ये सही हो रहा है भाई क्या किस्मत कैसी है हमें पता है गेम्स चल रहे क्या गेम्स तुम कर लो चलते हैं रेस्टोरेंट चलते चलो रेस्तरां हिंदी में क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट को रेस्तरां ये बोलते हैं हिंदी में हाँ रेस्टोरेंट सही में पता नहीं यार सो गाइस अभी खाना में खाते हैं यहाँ पे बैठ चुके हैं हम कढ़ाई पनीर और रोटी मंगा रखी है हमने उसका खाना खाते हैं ठंडा भी बहुत हो रहा है उसका चलेंगे रूम पे एंड फिर कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी सी भाई खाना कैसा था ये बताओ मुझे बहुत मस्त है खाना तो मज़ा आ गया सही था ना खाना वाना हो गया अब बम्पिंग कार्स के लिए एक्साइटेड हैं बम्पिंग कार्स मतलब मुझे अच्छा लगता है करना तुमको अच्छा लगता है हाँ वो और गो कार्ट दोनों करेंगे एक बार हमने पाठक के कैसे कर दी बम्पिंग कार्ट हाँ याद है देहरादून में तो वही बम्पिंग कार करेंगे अब थोड़ी देर में